मैं कनेडा की धरती से बह के कहनी कि हिक विच कोहली तो कनेडा वालों तो नहीं बजी हैगी। मैं अज इतने बैठी हाँ जो उन्हें अज भी हिम्मत है तो मेरे सामने आके एक बार दस जान कि संदीप ने माड़ा की किया। सस मां ने शेर जमया सी तो मैं उन्होंने कहनी कि मैं उन्होंने तो नसीहत लैके बब्बर शेर बनाऊंगी उन्होंने पोत्या। शेर के पुत बब्बर शेर बन गए तो कातलों के पुत बड़े कातल बन। मैं बच्चे बड़े करके इस ग्राउंड से दोबारा खड़े करने हैं चाहे वह कबड्डी की हो चाहे फुटबॉल की हो चाहे जिहड़ी मर्जी हो। कहूँगी कि एक घटिया तो गंदा खून कह सकती हाँ मैं उन्होंने कि जिन्हों के पुतों ने गोलियां मरवाइया भइया तो यह संदीप डिजर्व नहीं सी करते। बहुत दुनिया के घर बा चुल्हे वाले आ इत्थे बहुत सारे प्लेयर्स इत्थे आ इंडिया आ बहुत जगह पर आ जिन्हां लई दुनिया संदीप रब सी। संदीप सिंह संधू का नाम इन्ना क डर पै गया सी उन्होंने मरवाने वाले नू खाधी पीती च कितें बह कह बैठे होने कि करा दें नंगलों वाले का काम। हिम्मत सी तो सामने हिक जाके गोली मार दे। अज मैं वाहगुरु जी के घर बह के कह रही हाँ कि परमात्मा मेरे शेरां नू उन्हां दी पोती बराबरी करन वो आउण सही तो पहली गोली मेरे नाल मेरे च मारन क्योंकि दुश्मनी मैं कढ रही हाँ उन्होंने दुश्मनी उन्हां नाल नहीं दुश्मनी साढ़े नाल कढ़ी आ। तो जे हजे भी हिम्मत है तो मैं होर 5-7 दिन इत्थे हाँ हिम्मत है तो मैनू आके दस जाण कि संदीप ने उन्हां दा आ मुगाड़िया सी फिर मैं दसूंगी तुहानू कि दुनिया की चीज़ हुंदी आ तो फिर तुहानू पता लगेगा कि की आ। बस एक चैलेंज जरूर अक्सैप्ट करो ताडा तो मेरा टाइम अज तो शुरू होना है। इत्थे पहुंचे सारी कबड्डी प्रेमियों नू प्लेयर्स जिन्हें भी भैन भरा मेरे इत्थे पहुंचे आ संदीप नू संदीप वालों तो मेरे सारे परिवार वालों सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जिदा कि इत्थे भाजी पहले ही कह के गया कि इंसाफ पंजाब पुलिस के हाथ में नहीं है मारिया कि इन्होंने वो यूपी के चार पर बंदे लियांदे अगले ने तो उन्हें शूट करवा दिता क्योंकि हिक विच गोली तो मैं कनेडा की धरती से बह के कहनी कि हिक विच गोली तो कनेडा वालों तो नहीं बजी हैगी। तो मैं अज इतें बैठी हाँ जो उन्हें अज भी हिम्मत है तो मेरे सामने आके एक बार दस जान कि संदीप ने माड़ा की किया। बाकी गल हैगी कि मेरे बच्चे आ शेर के पुत बब्बर शेर बन गए तो कातलों के पुत बड़े कातल बन। मैं बच्चे बड़े करके इस ग्राउंड से दोबारा खड़े करने हैं चाहे वह कबड्डी की हो चाहे फुटबॉल की हो चाहे जिहड़ी मर्जी हो। बच्चे शेर होणगे तो बब्बर शेर होणगे तो हिम्मत इन्नी क रखियो कि अपने बच्चे नू कातल तो मरियां जमीरां वाले ही बनाए कि मेरे पुत्तां दे वांगू शेर नहीं बन सकते ना तुहाडे पुत्त। शेर जदों शेर जमना मेरी मदर इन लॉ ने मेरी सस मां ने शेर जमया सी तो मैं उन्होंने कहनी कि मैं उन्होंने तो नसीहत लैके बब्बर शेर बनाऊंगी उन्होंने पोत्या नू। पर जे हुण उन्हां दीआं मावां दे विच ते इन्नी औकात ते मैं कहूँगी कि एक घटिया तो गंदा खून कह सकती हाँ मैं उन्होंने कि जिन्हां दे पुत्तां ने गोलियां मरवाइया भइया तो यह संदीप डिजर्व नहीं सी करते। बहुत दुनिया के घर बा चुल्हे वाले आ इत्थे बहुत सारे प्लेयर्स इत्थे आ इंडिया आ बहुत जगह पर आ जिन्हां लई दुनिया संदीप रब सी। बहुत सारे कमेंटेटर्स आ जिन्हां दी मैं हिस्ट्री फॉलना नहीं चाहती जिन्हां नू संदीप ने अर्श तो फर्श ते फर्श तो अर्श ते लियांदा आ। जे उन्हां नू उन्हां कमेंटेटरां नू संदीप ने थल्लों उपर लियांदा सी तो उपरों थल्ले भी वह आपे ही आए आ। तो मैं चाहूँगी कि इहो जिहा संदीप ना घर घर जम्मे तो ना किसी माँ ने जमना ही आ। संदीप सिंह संधू का नाँ इन्ना क डर पै गया सी उन्हां नू मरवाने वाले नू खाधी पीती च कितें बह कह बैठे होने कि करा दें नंगलों वाले का काम। हिम्मत सी तो सामने हिक जाके गोली मार दे। अज मैं वाहगुरु जी के घर बह के कह रही हाँ कि परमात्मा मेरे शेरां नू उन्हां दी पोती बराबरी करन वो आउण सही तो पहली गोली मेरे नाल मेरे च मारन क्योंकि दुश्मनी मैं कढ रही हाँ उन्होंने। संदीप की तो दुश्मनी उन्होंने नहीं सी उन्होंने दुश्मनी मेरे नाल पाई मेरे बच्चों ना पाई साडे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ना पाई साडे संदीप नू तो चार गोलियां बजियां 10 सैकेंड 20 सैकेंड 1 मिनट वध तो वध 2 मिनट ऐदू उपर ना तड़फिया ना सोचण दा मौका कुछ नहीं मिलिया। दुश्मनी तो साडे नाल सी जे संदीप ना दुश्मनी कढ़नी सी गोलियां मार दे उहनू घर बिठा दे ते कोई इन्ना अज बहुत दुनिया संदीप दे नाल इत्थे खड़ी आ कनेडा अमेरिका इंग्लैंड सारी दुनिया खड़ी आ
पर जे तुसी सोचो कि संदीप दे लत्ता विच गोलियां मार के उन्हूं घर बिठा दिंदे ते इन्हां चों कोई वेला नहीं होना सी कि रोज उन्हूं ग्राउंड च लै के आउंदा, कोई उन्हूं रोज इंडिया ट्रैवल करवाउंदा, क्योंकि 20 वारी उहदे इक साल च इंडिया जांदे सी। कोई इन्ना वेला नहीं होना सी, कोई साल च इक वारी लै जांदा, कोई साल च दो वारी लै जांदा। एदू बाद ते मैं नहीं सी लिजा सकदी, क्योंकि मेरे कोल वी मेरे बच्चे सी, हसबैंड सी, मैं लुक आफ्टर कर सकदी सी, नहीं होना सी। दुश्मनी उन्हां नाल नहीं, दुश्मनी साडे नाल कढ़ी आ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ 5-7 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਣ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਇੱਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਰੋ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਬਣਾਇਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਲ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਕ ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰ। ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, DGP ਇੰਡੀਆ, ਪੁਲਿਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੜੀ ਘੋਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਰਿਕੁਐਸਟ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਫਿਊਨਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਦਵਾਇਓ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। MLA ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, DGP, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।